सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने अपने टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र के प्रवास के दौरान जिले के पलेरा जनपद पंचायत के ग्राम खरकूपुरा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम में केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से बात की और योजना के बारे में जानकारी ली। कार्यक्रम में टीकमगढ़ कलेक्टर अवधेश शर्मा ने जिले में चलाई जा रही योजनाओं के बारे में समीक्षा की। वहीं हितग्राहियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत योजना से लाभ लेकर उनके जीवन में क्या सुधार हुआ उसके बारे में बताया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा जल जीवन मिशन के तहत हर ग्राम के हर घर में नल से जल पहुंचने का कार्य किया जा रहा है। अब आप लोगों को ध्यान रखना है कि पानी की एक एक बूंद को सहेजना है और नल में टोटी लगाकर जल का संरक्षण करना है। ये अन्याय हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के साथ में कर रहे हैं, हम अपने बच्चे और बच्चों के बच्चों के साथ में कर रहे हैं। हम अपने घर पर एक बहुत बड़ी टंकी बनवा लें और नीचे हम नल लगाएं, उसमें नल में हम टोटी न लगाएं। कितनी भी बड़ी हम टंकी बनाएंगे, जो 3 दिन अगर हमारे घर की पानी की आवश्यकता पूर्ति करने वाली टंकी होगी, अगर उसमें हम टोटी नहीं लगाएंगे तो कुछ ही घंटों में पानी समाप्त हो जाएगा। जमीन का जल स्तर भी अगर समाप्त हो जाएगा, हमने पानी को इस तरह से अगर व्यर्थ में बहने दिया, क्या हम 20 रुपए की टोटी नहीं लगा सकते? 20 रुपए का हम टोटी लगा कर खरीद करके बोम नहीं लगा सकते? पानी की एक एक बूंद कीमती होती है। आदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो खेती में भी पड़ रहा बहुत रहा पानी की एक एक बूंद से, जो हमें खेती भी करना है, पानी को बचाना भी है। तो आप सबसे भी अनुरोध करना चाहते हैं, आपके सारे गांव में नल जल योजना से पानी आएगा, लेकिन उस पानी को व्यर्थ बहने से बचाने की जिम्मेवारी हम सबको लेना पड़ेगी।